भगवान शिव की आप किसी भी प्रकार के साधना करते हो, चाहे मंत्र जाप के द्वारा, नाम जाप के द्वारा या उनके किसी भी पाठ के द्वारा भगवान शिव की आप साधना कर रहे हैं, तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग साधकों की ऊर्जा और उनके प्रारब्ध के अनुसार विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। उनमें से कुछ दृश्य ऐसे होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो बाहर से देखने में आपको नकारात्मक महसूस होते हैं, लेकिन बहुत गहराई से अगर उनका विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि यह जो लक्षण हमें साधना में दिखाई दे रहे हैं वह देखने में नकारात्मक है, लेकिन वास्तविकता यही है कि वह लक्षण भी सकारात्मक है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जब आप आसन पर बैठकर साधना या ध्यान करेंगे उसी समय वह आपको दिखाई देते हैं और उसी समय पर आप उनका विश्लेषण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो साधक चलते फिरते उठते बैठते नाम जप की साधना करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नाम जप की साधना करता है उसके लिए हमने काफी वीडियो में बताया है पहले भी, और कि जो व्यक्ति नाम के आश्रित होता है वह नाम रूपी नौका पर सवार होता है, फिर उसे किसी भी चीज का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। अधिकतर देखने में मिलता है कि आप सभी मिश्रित प्रयास करते हैं, इसीलिए आपको मिश्रित फल देखने को मिलते हैं। अभी अगर कोई अपने मन वाणी कर्म से सच्ची शरणागति ईश्वर की ले ले तो कुछ ही समय बाद उसका प्रभाव आपको अपने आप दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कौन कर पाता है? सच्चाई तो यही है कि करना कोई नहीं चाहता, बातें सब करते हैं और सोचते सब हैं। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। शिव साधना में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपका कोई भी इष्ट देव हो, आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो, उनकी साधना में कुछ लक्षण आपको अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन शिव जी की साधना में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। जो लक्षण आपको भगवान शिव की साधना में दिखाई देंगे, आवश्यक नहीं है, है कि वही अनुभव वही लक्षण आपको श्री राम जी की साधना में दिखाई दे या श्री कृष्ण भगवान की साधना में दिखाई दे। यह हो सकता है कि इसके अतिरिक्त जैसे भैरव बाबा की साधना, माता काली की साधना, इन सभी की साधनाओं में लगभग एक जैसे ही प्रभाव और लक्षण उत्पन्न होते हैं। शिव साधना में अधिकतर विरोधाभास पैदा करने वाले लक्षण सामने आते हैं, क्योंकि आप जितना अधिकार शिव जी पर समझ रहे हैं, नकारात्मक शक्तियां भी शिव जी पर उतना ही अधिकार अपना समझती हैं, और आप इस चीज को अच्छे से जान ले, भगवान शिव अपने किसी भी भक्त में भेद नहीं करते, इसीलिए दैत्य हो, देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो या यक्ष हो, गंधर्व हो, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो नवग्रह हैं, वह भी भगवान शिव के चरणों में पड़े रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव केवल अपने भक्त को महत्व देते हैं, वह अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। तो एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जब भगवान शिव आपको एक समान महत्व देते हैं, तो भगवान शिव उसी व्यक्ति को महत्व देते हैं जो उनके लिए समर्पित है। पूर्ण रूप से नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से महादेव के श्री चरणों में समर्पित नहीं हो पाती। आपने देखा होगा, शिव जी के वरदान का जितना दुरुपयोग किया गया है उतना दुरुपयोग अन्य किसी भी देवी देवता के वरदान का नहीं किया गया है। महादेव केवल समर्पण को ही महत्व देते हैं, और सच्चा समर्पण कर पाना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो शिव साधना में जो सबसे प्रथम लक्षण सामने आता है, वह आप चाहे चलते फिरते नाम जप करते हो या आसन पर बैठकर कोई साधना करते हो, तो यह लक्षण प्रारंभ में अवश्य सामने आता है। तो वह लक्षण है भगवान शिव के जो गण हैं, उनकी दृष्टि में, उनकी निगाहों में आप जाते हो। जिस दिन आप संकल्प कर लेते हैं कि अब तो मैं शिव जी की साधना करूंगा, उनका नाम जप मंत्र जप करूंगा,
संसार में सर्वाधिक गणों की संख्या भगवान शिव की है। अन्य जितने भी देवी देवता हैं, उनके गणों की इतनी संख्या नहीं है। उनके गणों की संख्या सीमित मात्रा में है, लेकिन एकमात्र शिव के गण ऐसे हैं, जो स्थान पर हर समय अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध रहते हैं। तो जब आप संकल्प करते हैं कि मैं अब तो प्रभु की शरण में हूँ, उनका ही नाम जप करूंगा या किसी भी प्रकार से शिव जी की साधना करूंगा, तो सर्वप्रथम शिव गणों की निगरानी में आप आ जाते हैं। भोलेनाथ जितने दयालु और शांत स्वभाव के हैं, उनके गण उतने ही क्रोधी और तेज स्वभाव के होते हैं। वह आसानी से किसी भी व्यक्ति को शिव जी की साधना नहीं करने देते। यह भी बहुत रहस्यपूर्ण बात है, क्योंकि अधिकांशतः यही होता है कि व्यक्ति शिव जी की शरणागति तो लेता है और अपनी स्वार्थ सिद्धि होने के बाद वह भगवान शिव को भूल जाता है। तो यह चीज जो शिव के गण होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वे शिव साधना में किसी को प्रवेश नहीं करने देते, और प्रवेश अगर किसी ने कर लिया तो उसे वह चारों ओर से घेर लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में वह आपको किसी भी प्रकार का संकेत नहीं देंगे। कोई भी परीक्षा, किसी भी प्रकार की परीक्षा आपकी नहीं लेंगे, क्योंकि भला चींटी से किसी को क्यों डर हो सकता है। लेकिन जब आप साधना के दौरान शक्तियां प्राप्त होने लगेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, तब वह शिव के जो गण हैं, वह आपको प्रभावित करेंगे, आपको अस्तव्यस्त करेंगे, आपको अच्छा खाने का मन करेगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, आपको कहीं घूमने जाना है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनना था, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से आपको अपनी साधना से भटकने के लिए प्रारंभ में शिव के गण ऐसी रचना रचते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न किया जा सकता है कि क्या जो शिव के गण होते हैं, वह साधक के शत्रु होते हैं? क्या वह नहीं चाहते कि साधक सफल हो? ऐसा नहीं है, वह चाहते हैं कि आप सफल हो, तभी तो उनके विरोधाभासी लक्षण आपके सामने आ रहे हैं कि शिव साधना में विरोधाभासी लक्षण सामने आते हैं। अगर उनको समझने में चूक गए तो आपको लगेगा कि यह साधना मैंने जैसे ही प्रारंभ की और मेरी तो पनौती शुरू हो गई है, और आप साधना को बंद कर देते हैं। तो यह शिव गणों की सोची समझी रणनीति होती है, जिससे वह भलीभांति यह तर्क तय कर पाए कि यह लंबी रेस का घोड़ा है या नहीं। ऐसे ही भगवान शिव या उनके गण किसी भी व्यक्ति पर प्रसन्न नहीं होते। परीक्षा तो होती ही है साधकों की, शिव साधक बनना आसान काम तो है नहीं। तो क्या आप भगवान शिव के आगे ऐसे ही पहुंच जाओगे? क्योंकि उन गणों ने भी बहुत तपस्या और साधना की है, जब जाकर उनको यह पद प्राप्त हुआ है, इसलिए शुरू में विचित्र प्रकार के विरोधाभासी लक्षण प्रकट करके आपको भ्रमित किया जाता है, जिससे वह यह तय कर पाए कि आप वास्तव में भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित हैं या नहीं। किताबों में पढ़कर साधना के जो लक्षण हैं, क्या वह आपको अनुभव होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यह तो व्यावहारिक तरीके से जब जब आप साधना करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या होता है। शिव साधना में दूसरा लक्षण है, जब आप साधना करेंगे तो आपके शरीर के किसी भी एक अंग में बहुत अधिक दर्द होने लगेगा। अधिकतर यह लक्षण उन साधक और साधिका के साथ में प्रकट होता है जिनके घर पर या शरीर पर कोई नकारात्मक शक्ति का अधिक प्रभाव होता है। घर पर यदि किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो वह नकारात्मक शक्ति आपको नाम जाप, मंत्र जाप या साधना करने से रोकने के लिए जिस अंग विशेष से उस नकारात्मक शक्ति का संबंध है, वहां पर दर्द, पीड़ा या किसी प्रकार का घाव वह नकारात्मक शक्ति उत्पन्न कर सकती है। जिस प्रकार से आप किसी गंदे कपड़े को साफ करते हैं तो उसका मैल हमें बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, उसी प्रकार से जब आप पहले से ही किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में हैं और जब आप साधना प्रारंभ करेंगे तो वह नकारात्मक शक्तियां आपको वह काम नहीं करने देंगी।
और विभिन्न प्रकार से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ तकलीफें आपको जरूर देंगी, लेकिन यह सब के साथ नहीं होगा, उन्हीं के साथ अधिक होगा जिसके घर पर या शरीर पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। इसके अलावा इसका एक और भी लक्षण है, साधना के दौरान आपको बड़ी बड़ी उबासी आएगी, कहीं कहीं इन्हें जंभाई भी कहा जाता है, वह आने लग जाएगी। देखिए, सामान्य रूप से उबासी लेना यह अलग बात है, लेकिन दिन में 70 से 80 बार बड़ी बड़ी उबास आना यह सामान्य लक्षण नहीं होता है, और यह तो बहुत ही प्रारंभिक स्तर का लक्षण है। बड़ी बड़ी उबास आना इस बात का संकेत है कि हमारे भीतर की नकारात्मकता बाहर निकल रही है। तो यह सभी लक्षण शिव साधना के विरोधाभासी लक्षण हैं। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिखें।